अफगानिस्तान में भूकंप के बाद तबाही, भारत ने अफगानिस्तान को सौंपी मानवीय सहायता, तालिबान ने व्यक्त किया आभार। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे जर्मनी, शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कुछ देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक, 28 जून को यूएई की यात्रा भी करेंगे पीएम मोदी। 2002 के गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, गुजरात दंगों को सियासी नजर से देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है, पीएम मोदी पर गलत आरोप लगाए गए। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेज सकती है शिवसेना। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद कनेक्शन आए सामने, हत्याकांड के बाद पंजाब से फतेहाबाद आए थे शूटर्स, फतेहाबाद के निजी होटल में रात को ठहरे थे शूटर्स, 2 घंटे तक मूसेवाला के हत्या आरोपी होटल में ठहरे, दिल्ली पुलिस ने होटल के 3 पार्टनर्स को हिरासत में लिया। सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में करेंगे शिरकत, शाम को सीएम मनोहर लाल पटौदी के हरिमंदिर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रोहतक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निकाय चुनाव को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस हरियाणा से हो रही साफ। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफी सिंह राठी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप लगाए, कहा जानबूझकर वोटर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए गए, परेशान किया गया। पंचकुला में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी का सिलसिला जारी, पंचकुला में शुक्रवार को कोविड-19 के 58 नए केस सामने आए हैं। रोहतक से फिर सामने आई गुंडागर्दी की तस्वीरें, पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकना, सेल्समैन को पड़ा भारी, 2 युवकों ने सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा, तस्वीरें आई सामने। पानीपत में रौनक हत्याकांड के आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा, हत्या का आरोपी देखता था क्राइम सीरियल, क्राइम में कहानियों की अक्सर करता था बातचीत। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज हिमाचल दौरा, आज कुल्लू पहुंचेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, कुल्लू में अरविंद केजरीवाल करेंगे रोड शो, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। विपक्ष के विवादित बयान पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल में विपक्ष मुद्दों पर करे बात, सभी को मर्यादा में रहने की जरूरत है। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर सीएम जयराम ठाकुर का बयान, द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाना एनडीए का ऐतिहासिक फैसला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में शूटआउट, पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को मारी गोली, दिल्ली की महिला मनाली से चलाती थी होटल। हेलीकॉप्टर विवाद पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री राकेश पठानिया का बयान, कहा अग्निहोत्री को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो सीएम की इसमें क्या गलती है। नैना देवी से कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर का प्रदेश सरकार पर जुबानी वार, जल जीवन मिशन को बताया फेल मिशन, कहा पेयजल कनेक्शन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री का बीजेपी पर निशाना, अग्निपथ योजना पर सरकार का किया घेराव, साथ ही कहा कि पक्की नौकरियां चाहिए तो करो कांग्रेस का समर्थन। हेलीकॉप्टर विवाद पर कैबिनेट मंत्री सुखराम चौधरी का बयान, नेता प्रतिपक्ष ने अमर्यादित टिप्पणी की है। कर्मचारियों के तबादलों को लेकर उत्तराखंड सरकार बेहद गंभीर, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी चेतावनी, बड़ी संख्या में खत्म किए गए कर्मचारियों के अटैचमेंट। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से की शिष्टाचार भेंट, कई मुद्दों पर की गई बातचीत। वहीं रुड़की में बीजेपी के जिला महामंत्री आदेश सैनी ने दी जानकारी, 26 जून को रुड़की में होगा विशाल कार्यक्रम, सांसद कल्पना सैनी के निर्वाचित होने पर कार्यक्रम, सीएम धामी भी होंगे शामिल। और रुड़की में नगर निगम बोर्ड की बैठक में पार्षदों का जोरदार हंगामा, पार्षदों पर मेयर गौरव गोयल ने आरोप लगाए, शहर के विकास कार्यों में बाधा बनने के आरोप लगाए गए। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का लेंगे जायजा। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम मुद्दों को लेकर इस दौरान चर्चा की।